हेलो गाइस, मैं हूँ मीनाक्षी और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। दिन के पूरे 12 बज चुके हैं और मैं इसी टाइम पे ही रोज़ नहाती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह से काम इतना बिजी शुरू होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। मेरा अब इस टाइम 12 बज गए हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इस मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है अपना चौका, मैं उसे वो करती हूँ। आज मेरे कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि जो हमारा शॉपिंग बोर्ड होता है ना, जो खरीद लेते हैं अक्सर, उसे कैसे रिपेयर किया जाए। तो आज मुझे भी शौक चढ़ा, चलो आज फ्री हूँ, क्यों वीडियो तो बनानी नहीं है तो ये काम कर लेते हैं। तो मैं चलो दिखाऊँ मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आज। इसके साथ मैंने जो रखा हुआ था अपना पुराना ये चॉपर, जो मैंने कहा था बेकार हो चुका है और इसकी रस्सी बिल्कुल लूज़ हो चुकी थी। अब मैंने कहा चलो अब बैठी हूँ रिपेयर करने, तो रिपेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि इसके ब्लेड अभी सही हैं और ये सही काम कर रहे हैं, तो इसे रिपेयर करना तो बनता ही है। तो इसके लिए चलो मैं एक पेचकस ले आती हूँ और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पेचकस तो मैं ले आई, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोई भी पेच नहीं है कि जहाँ से मैं पेचकस से पेच खोल सकूँ। ये लाल रंग का बटन सा है, लग रहा है इसके नीचे पेच होगा। चलो इसे खोल के देखती हूँ, शायद पेच निकल जाए और मेरा ये चॉपर ठीक हो जाए। पेचकस का मुंह थोड़ा सा मोटा है और इसके अंदर जा नहीं रहा है। चलो कोशिश करती हूँ, क्या पता निकल जाए। नहीं जा रहा, तो मैं इसके लिए ऐसे करती हूँ, कुछ चाकू या शार्पनर लाती हूँ जिसमें हल्का सा स्पेस हो और निकल जाए। चाकू से तो शायद निकल जाएगा, ये पतला पतला शार्प पॉइंट है, आराम से निकल जाएगा। हाँ, निकलने की कोशिश तो कर रही है। चलो देखते हैं निकलता है नहीं निकलता। ओह वाओ, निकल गया, आराम से निकल गया, चाकू से निकल गया, पेचकस से नहीं निकला। अरे लेकिन इसके नीचे तो कोई पेच था ही नहीं, एक प्लास्टिक की एक नज़र आ रही है और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। पेच नहीं है कुछ भी, कहीं पर भी कोई पेच नहीं है। हर जगह देख लिया मैंने फेस करके। इस साइड में एक छेद से बने हुए हैं जिससे दो ढक्कन जॉइंट हो रहे हैं। इस पर चाकू लगाती हूँ, शायद ढक्कन खुल जाए हमारा। ये क्या हो गया, ढक्कन पे हल्का लगाते ही ये रस्सी अंदर कैसे चली गई। ओ इधर ठीक हो गया हमारा, ये कैसे ठीक हो गया मुझे तो पता नहीं चला। हल्का सा मैंने इसके कोने में वो लगाया था और अपने डोरी अंदर चली गई। इसके साइड में जो छिलके के छेद है, मैंने इसमें यहाँ पर लगाया, अपना नाइफ लगाया था और ये ठीक हो गया। चलो जी, अब तो मेरा ये काम तो बढ़िया हो गया। अब इसके ऊपर जो लाल रंग का बटन है वो भी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, मेरा काम तो बढ़िया हो गया। अगर आपके पास भी ऐसे चॉपर है और ख़राब हो चुका है जिसकी डोरी पूरी निकल चुकी है बाहर और अंदर नहीं जा पा रही है, आप ये ट्रैक कर देख लो, क्या पता आपको भी सही हो जाए मेरी तरह। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका भी ऐसे ठीक हो जाता है जैसे मेरा ठीक हो गया है तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि ऐसे और लोगों को पता चल जाए कि इस तरह से भी ठीक हो सकता है ये। इसे मैंने रिपेयर कर दिया और बिना किसी मेहनत के। अगर आपके पास कैसे चॉपर है तो आप भी इसे ठीक करें।